माननीय शिवपाल जी के विरुद्ध अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो चुनाव जीत जाएंगे, और नहीं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जीरो पर आउट हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अगर शिवपाल यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी तो चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जीरो पर आउट हो जाएगी। यह कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के मध्य आपसी सुलह के रास्ते लगातार निकाले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आज दोनों नेताओं ने अपनी अपनी अलग रथ यात्रा का आगाज किया, इस सुलह समझौते पर बादल गहराते जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने आज जिस तरह से शिवपाल यादव पर हमला बोला, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के मध्य कोई समझौते के आसार जल्दी नहीं होंगे। दो गुट चल रहे हैं, कैसे जो है? देखिए, सभी ये लोकतंत्र है, सभी को अपनी पार्टी चलाने का हक है। हमारे नेतृत्व ने कह दिया कि माननीय शिवपाल जी के लिए वो सीट छोड़ देंगे और वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, और जब सरकार बनेगी तो उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं अच्छा लगता तो अपनी जमीन तलाशने के लिए निकले हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन हमारे नेता जी भी अपनी जमीन तलाशने के लिए निकले हैं, परिवर्तन के लिए। सभी नेताओं का ये काम है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहें और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करें। कितनी सीटें जो है शिवपाल जी से क्या समझौता हुआ और क्या पूरी क्या तैयारी चल रही है? मैं आपको बता दूं, माननीय शिवपाल जी के विरुद्ध अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो चुनाव जीत जाएंगे, और नहीं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जीरो पर आउट हो जाएगी। महंगाई, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मध्य सुलह समझौतों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे ये साफ जाहिर है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल को बहुत अधिक भाव नहीं देने वाले हैं।